नमस्कार दाएंगल में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश सहित देश भर में रूप चौदस का उल्लास। बाजारों में खरीदारी परवान पर महिलाओं ने किया 16 श्रृंगार। कर्नाटक उपचुनाव में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को मिला दीपावली का तोहफा। 5 में से 4 सीटों पर विजयी भाजपा को झटका। आईटीबीपी के जवानों संग दीपावली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेना प्रमुख भी होंगे साथ। और भाजपा का कांग्रेस पर चिट्ठों को लेकर हमला। कहा रुपए लेकर पैनल बनाकर कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या। 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत गुलाबी नगरी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में रूप चौदस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सौंदर्य के प्रतीक इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर तिल के तेल के 16 दीपक जलाए और इन्हें चौराहे, देवालय, घर के बाहर, बाग बगीचों में रखा। सौंदर्य के प्रतीक इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए। इस अवसर पर चित्रगुप्त और यमराज का पूजन भी किया गया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और देवताओं का पूजन कर दीप दान करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। आज रूप चतुर्दशी के ऊपर माता महालक्ष्मी के सवामण रूप से अभिषेक किया गया। माता का 16 श्रृंगार की सामग्रियां टीकी, कुमकुम, रोली और सोना, चांदी और हीरा जवाहरात के आभूषण माता को अर्पित किए गए और नवीन पोशाक धारण कराएगी और आरती करके माता महालक्ष्मी के प्रसाद वितरित किया गया। मिष्ठान के बिना दीपोत्सव अधूरा है। घरों में मिठाइयां बनी हैं, लेकिन वक्त के साथ ये बदलाव जरूर आया है कि बाजार में हर किस्म की मिठाइयां मिलने से घर में इनका बनना कम होता जा रहा है। बाजार में हर किस्म की मिठाई उपलब्ध है। जितनी बड़ी दुकान उतनी शानदार पैकिंग और उतनी ही भीड़। फ्यूजन के इस दौर में मिठाई भी फ्यूजन से बची नहीं है। फ्यूजन कर नए जायके तैयार किए गए हैं। साथ ही मावे और ड्राई फ्रूट सहित बंगाली मिठाइयां दीपावली पर्व में मिठास भर रही हैं। दीपावली पर गिफ्ट्स देने के लिए मिठाई विक्रेताओं ने विकल्प उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सभी ने नई नई मिठाइयाँ तैयार की हैं। माहौल अच्छा है, ग्राहकों में उत्साह है और हमने विभिन्न प्रकार की ड्राई फ्रूट्स में मिक्स ऐसी मिठाइयाँ बनाई है ड्राई फ्रूट्स की, जो लोग ग्राहक काफ़ी लाइक कर रहे हैं। ग्राहक की अच्छी है, माहौल अच्छा है। लोगों ने शुगर फ्री मिठाइयाँ तो बहुत कम बिकती है, इसलिए शुगर फ्री मिठाइयाँ भी हमने बनाई। अंजीर की अंजीर रोल बनाया है, शुगर फ्री है, उसमें शुगर नहीं डलती है। बाकी शुगर फ्री मिठाइयाँ 2-4 तरह की बनाई है। मिठाइयों के अंदर तो क्या फैंसी मिठाइयाँ बनी है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी अंदर बनी है। गिफ्ट आइटम में मिठाइयों के गिफ्ट आइटम हमने बनाए हैं, काफ़ी लाइक उसको लाइक कर रहे हैं। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस जेडीसी ने 5 में से 4 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस जेडीसी गठबंधन ने बेलारी, मांड्या, रामनगर, जमखंडी सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने शिवमोगा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के बीएस उग्रप्पा ने बेल्लारी लोकसभा सीट पर 2,43,161 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं जेडीएस के एलआर शिवरामे गोड़ा ने मांड्या लोकसभा सीट पर 3,24,943 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा के राघवेंद्र ने शिवमोगा लोकसभा सीट पर 52,148 वोटों से जीत दर्ज की है। जामखंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस के आनंद सिद्धू न्यामगोड़ा ने 39,480 वोटों से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी की पत्नी और जेडीएस नेता अनिता कुमार स्वामी ने रामनगर विधानसभा सीट पर 1,91,037 वोटों से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली पर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद विकास कार्यों और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहां पर 2013 में
विनाशकारी बाढ़ आई थी। प्रधानमंत्री पिछली बार केदारनाथ अक्टूबर 2017 में गए थे। उनकी यात्रा मंदिर के कपाट सर्दियों के लिए बंद होने से कुछ वक्त पहले ही हुई थी। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वो आईटीबीपी के जवानों के साथ हर्षिल में दिवाली मनाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख बिपिन रावत और सेना के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे पर वहाँ पर सेना की तैयारियों और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे कामों का जायजा लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बने इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम का नामकरण कर दिया है। अभी स्टेडियम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना एक क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा उद्घाटन समारोह में की। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने पर प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। मंगलवार को कार्यक्रम में सीएम योगी ने इसकी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने अपने भाषण में क्रिकेट एसोसिएशन व प्रमोटर्स को बधाई दी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में राड़ समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को संभल कर बोलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा था कि सीएम को अपना राजनीतिक डीएनए सार्वजनिक करना होगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद जेडीयू के नेताओं ने कुशवाहा को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे शिष्टाचार बनाए रखें और अपनी सीमा में रहें। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन मौके पर अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को लिखित में दी है। मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप विधायक अमानतुल्ला खान और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में पहुंचे भाजपा विधायक मनोज तिवारी को स्टेज पर जाने से रोक दिया गया था। तस्वीरों में देखा गया था कि अमानतुल्ला खान मनोज तिवारी को धक्का देते दिख रहे हैं, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला है। शेखावत ने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकटों के पैनल में नाम जोड़ने को लेकर सह प्रभारियों पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। उससे ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी रुपयों से राजनीति करके लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी में रुपए लेकर टिकट देना ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। वहीं शेखावत ने बताया कि भाजपा का एक भी सीट पर मतभेद या गतिरोध नहीं है। टिकटों का पैनल पहले बना था और अब 11 नवंबर को संसदीय बोर्ड की बैठक में टिकटों को लेकर फैसला होगा। फिल्म में एक गाना चला करता था कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार पर, और अब मुझे लगता है कि अब जो है ये नई जो है गाना चलाया जाना चाहिए कि नाम बड़े और काम है खोटे, टिकट के लिए लेते हैं पैसे मोटे। तो यार जो मुझे तो जो है मित्रों, मुझे निश्चित रूप से रहम आता है उन विधानसभा के लोगों के ऊपर जिन लोगों को, और उनके लिए निश्चित रूप से ये स्पष्ट संकेत है और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए संकेत है। आज मैं तो मारवाड़ का प्रतिनिधि हूँ, पश्चिम राजस्थान का प्रतिनिधि हूँ, और मुझे अत्यंत दुख हुआ है कि मेरी फलौदी की जनता, जो उसको कितना कष्ट हुआ होगा जब उसको ये पता लगा होगा कि उसका उनका प्रतिनिधि बनने के लिए टिकट के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए। मैं जो है जिस किसी ने भी इसको उद्घाटित किया है, सचिन पायलट साहब ने मुझे उसके लिए धन्यवाद जो है रिस्पॉन्सिबल, हमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया, लेकिन जिस किसी ने भी उद्घाटित किया है कांग्रेस के कार्यालय में, जिसने इसको उद्घाटन करने का साहस दिखाया है, मैं उसको बहुत बहुत राजस्थान की जनता की तरफ से, विशेष रूप से मेरे फलौदी की जनता की तरफ से, मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते फलौदी की जनता से उनका भी आभार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।